बात उस वक्त की है जब मैं छोटा ही हुआ करता था, और जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो घर वालों के साथ चिपक के रहना चाहती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो, चाहे किसी भी स्टेज पे, चाहे आप नौकरी करने के लिए निकलो, चाहे आप हॉस्टल्स में जाने के लिए, या फिर आप अगर कहीं पे प्रिपरेशन करने गए हो वहां पे आप बाहर रह रहे हो, तो जब आप बाहर रहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्योंकि हम घर पे होते हैं तो क्या हमारी टेंडेंसी होती है, हमारे एक इशारे पे हमारे घर के काम या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी सारी बातें मानकर सारी चीज़ें हमारे लिए कर देते हैं। तो उस वजह से हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि दुनिया जो है वो इतनी ही आसान है। नहीं जी, जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को, झेलने को मिलेंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी चीज़ है, हर चीज़ आप रिक्वेस्ट करो आपको मिल जाए ऐसा नहीं होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ कि हॉस्टल लाइफ जो है वो हमेशा ही बहुत अमेजिंग रहती है। स्कूल में ऐसा होता है कि जब मैं स्कूल में हॉस्टल में मुझे छोड़ा गया तब उम्र थोड़ी छोटी ही थी मेरी, ठीक है, इतनी छोटी कि आप ऐसे समझो कि जस्ट बस ब्रश करना सीखा ही था समझ में आया। तो तब से हॉस्टल में रह रहे हैं और उसका बड़ा फायदा मिला। आई एम नॉट, मतलब पहले ऐसा होता था जब छोड़ के आ रहे हैं तो रो रहे हैं, कार में पिताजी लेके जा रहे हैं हॉस्टल तक तो रोते ही जा रहे हैं कि नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है, आप अपने पास ही रख लो, काहे मुझे हॉस्टल में छोड़ के आ रहे हो, वहां पर ऐसा क्या है, मैं घर पे ही पढ़ लूंगा, 90% नंबर लाके दिखा दूंगा, क्यों क्यों क्यों। बट छोड़ाते हैं, फिर उसके बाद दो तीन दिन मन नहीं लगता, रात को थोड़ी नींदें भी कम कम आती है, बट धीरे धीरे मन लगने लगता है फिर वहां, और वहां मन लगने लगता है तो फिर आपको घर थोड़ा आप बोल सकते हो कि फिर आप घर से डिटैच हो जाते हो, फिर आप बाहर की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने लगते हो। तो छोड़ गया है, हॉस्टल में मैं गया, छोटे ही थे उस टाइम पे, पुराने टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हो भैया, सारा अपना कुछ बोलते हैं बोरी बिस्तरे बांध के ले जाना होता था, तकिया चद्दर सब एकदम प्रेस करके मम्मी ने एकदम नई नई दी कि ले बेटा, वही तेल की बोतल छोटी, कंघा साबुन तेल पेस्ट सब अपना अपना, नए अंडरवियर्स, नई ड्रेस, नया बैग, नई कॉपी, और एक वही चीज होती है जो आपको स्कूल जाने की तरफ अट्रैक्ट करती है, बाकी सब चीजें तो डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं। ये भैया काहे छोड़ के आ रहे हो यार, क्यों ऐसे मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। तो हॉस्टल में गए तो वहां क्या हुआ, हमारे जो वार्डन थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से भी स्ट्रिक्ट थे, और होते भी हैं हॉस्टल में स्ट्रिक्ट वार्डन, स्कूल की बात कर रहा हूं जब मैं छोटा हुआ करता था, ठीक है। तो वहां लेके गए, ठीक है, तो रूल समझा दिए गए पहले दिन तो बहुत प्यार से बात करते हैं जब पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, हाँ हाँ जी आपका बच्चा ही हमारा बच्चा है, हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं हम इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसको खाने में, घर वाले तो बेचारे बोलेंगे ही, उनको क्या पता हॉस्टल में क्या होता है, इसको खाने में ना ये बैंगन की सब्जी नहीं खाता है, ये कद्दू नहीं खाता है, इसको हाँ 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 इसको हम शाही पनीर, पनीर लबाबदार, ठीक है, काजू करी ये सब खिलाएंगे।